Hello everyone, you're all welcome to Prep IAS. My name is Samriddhi and today what we are going to cover? We are going to cover art and cult. So art and culture की इस revision series में हमारी ये दूसरी class है guys. उम्मीद करती हूँ आपको हमारी पहले वाली video अच्छी लगी होगी. तो हमारे इस initiative को support करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ video share करिए. तो start करते हैं art and culture की पहली news item से, that is National War Memorial. ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना. यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, आपने जरूर सुना होगा अमर जवान ज्योति, है ना. अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट में बेसिकली लेके आया गया है और आप ये कह सकते हो कि इसको मर्ज कर दिया गया है विद नेशनल वॉर मेमोरियल. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आई एम ऑल टॉकिंग अबाउट, ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायग्राम, आपको किसका डायग्राम दिखेगा? कैन यू सी द थिंग रिटन ओवर हियर, दैट इज वॉर मेमोरियल इंडिया गेट, ठीक है. त्याग चक्कर, क्या कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं आपको? यहाँ पे आपका त्याग चक्कर है, यहाँ पे आपका रक्षा चक्कर है, यहाँ पे आपका अमर चक्कर है, यहाँ पे वीरता चक्कर है, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है? अब इन हर चक्कर की ना एक अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है, हर चक्कर की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है. और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको जरूर पता होगा कि व्हाट आई एम ऑल टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे सबसे पहले अगर जो आउटर मोस्ट में है सर्कल, दैट इज रक्षा चक्कर. रक्षा चक्कर की बात करी जाए, दिस डिपिक्ट द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, कि रक्षा करते हुए जो जवान थे, ठीक है, फिर रक्षा करने के लिए बाहर का चक्कर हो गया रक्षा चक्कर. त्याग चक्कर कौन सा हुआ? त्याग चक्कर उसके अंदर वाला चक्कर, ठीक है, आउटर वाला रक्षा, उसके अंदर वाला त्याग. तो त्याग का मतलब क्या हुआ? बलिदान, है ना. सो दिस सर्कल डिपिक्ट द सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस. नेक्स्ट कम द वीरता चक्र, जो यहां पे है. ये वीरता चक्र आपका बताता है सर्कल ऑफ ब्रेवरी. देन इज अमर चक्र, अमर चक्र जो सबसे नमो सर्कल है. सो दिस इज अ सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी. सो आपको इतनी इंफॉर्मेशन जरूर इसके बारे में दिमाग में रखनी है कि हर चक्कर जो है वो क्या डिपेक्ट कर रहा है. क्लियर है? चलिए. सबसे पहले बात करते हैं अमर जवान ज्योति की. अगर आप अमर जवान ज्योति की बात करो गाइस, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक फ्लेम लगता है, द इटर्नल फ्लेम वॉज एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ नेशंस ट्रिब्यूट टू दी persons who have died in the country in various wars and conflict. Independence के बाद से जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं और जितने जवान उसमें शहीद हुए हैं, उनकी ज्योति लगती है कहाँ पे? अमर जवान ज्योति. इसकी स्थापना 1972 में हुई थी. तो आप ये लगा लो कि आपके जो पहले जिन जो जवान शहीद हो चुके हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी इंडो चाइना वॉर थी, है ना. सो 1960s में जो वॉर हुई थी, वो वॉर वाले जवान की फोटोज या फिर वहां इनका फ्लेम वहां पे नहीं जगाया जाता. वो कहां पे जगते है आपका? वो जगते है आपका इंडिया गेट में, ठीक है. सो इंडिया गेट और द ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल वाज, इट वाज नोन अर्लियर, इसको ब्रिटिश ने बनाया था 1931. सो आप ये लगा लो कि जो भी आपके बाकी लोग हैं, ठीक है, सो उनकी ज्योतियां जो है वो यहाँ जगती. So it was erected as a memorial to around 90,000 Indian soldiers of the British Indian Army, जो कि आपके अलग अलग वॉर्स में मरे, जैसे वर्ल्ड वॉर वन एंड ऑल. उसके बाद इसी का ही एक पार्ट है नेशनल वॉर मेमोरियल. ये बिल्ड किया गया था सारे के सारे सोल्जर्स के लिए जिनकी डेथ हो चुकी है. इट वॉज बिल्ट टू कोमेमोरेट ऑल द सोल्जर्स हु हैव डाइड डाउन देयर लेट डाउन देयर लाइफ इन द वेरियस बैटल्स वॉर्स ऑपरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. चाहे वो साइनो इंडिया वॉर है, चाहे इंडो पाक वॉर है, चाहे वो आपकी पीस कीपिंग फोर्सेस की कोई वॉर है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी ऐसी वॉर है, सो उन सबका यहाँ पे क्या है, उन सबको यहाँ पे कोमेमोरेट किया जाता है, ठीक है. सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सब वॉर के यहाँ पे कोमेमोरेट किया जाता. सो गाइस क्लियर है इतनी बात? सो यहाँ पे एक बार जल्दी से देख लो इनकी लोकेशन क्या है.
सो कैन यू सी इंडिया गेट ओवर हियर, कैन यू सी नेशनल वॉर मेमोरियल ओवर हियर, और अमर जवान ज्योति भी मैंने आपको बता दी. सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट कमिंग टू द अवार्ड, तो अवार्ड में सबसे पहला जो आपके पास अवार्ड है दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड. साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए दिए जाते हैं? साहित्य के लिए. लिटरेरी वर्क्स के लिए आपके कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? साहित्य अकेडमी अवार्ड. ठीक है, इसको देता कौन है? दिस इज बीइंग गिवन बाय द साहित्य अकेडमी. ठीक है, सो साहित्य अकेडमी ऑनर्स विनर्स. सो साहित्य अकेडमी जो कि इंडिया की नेशनल अकेडमी है, उसने क्या किया है? उसने एनुअल अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस किए अपने लिटरेरी वर्क के लिए ऑफ 24 राइटर्स. 24 राइटर्स के लिए इन्होंने ये अवार्ड्स घोषित किए हैं, जिसके अंदर 24 अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे क्या होगी, आपकी लिंकिंग की जाएगी. ठीक है, सो याद रखना 24 अलग अलग भाषाओं के लिए अवार्ड होता है. ठीक है, 24 मेजर लैंग्वेजेस में से अवार्ड चुना जाता है. इसके तो आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मैम हमारे इंडिया में तो 22 लैंग्वेजेस होती हैं. बिल्कुल जी हाँ, 22 तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाली होगी, इसके अलावा दो और होती हैं, दैट इज इंग्लिश एंड राजस्थानी. ठीक है, सो इन 24 लैंग्वेजेस के लिए अवार्ड दिया जाता है. सो अगर आप इस अवार्ड की बात करो, सो ये अवार्ड फरवरी में दिया गया था. किस किस को दिया गया था, इतना तो देखो डिटेल में याद करने की जरूरत है नहीं है, बट हाँ इतना जरूर पता होना चाहिए कि अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 1954 में बेसिकली क्या कहते हैं, सो इसको जो स्टार्ट किया गया था 1954 में स्टार्ट किया गया था, इसको जब स्टार्ट किया गया था साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया गया था, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स जिसको बोलते हैं. ये अकेडमी की अगर आप बात करो सो ये फंक्शन करती है एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह, जो कि आपका इसके अलावा एक और अवार्ड देती है जिसका नाम क्या है, भाषा सम्मान अवार्ड. ठीक है, उस अवार्ड का नाम क्या है, भाषा सम्मान अवार्ड है, जो कि आपका दिया जाता है जो जो भी आपकी लैंग्वेजेस में कंट्रीब्यूशन है उसके लिए. आर यू गेटिंग द थिंग? मतलब यहाँ पे उन लैंग्वेजेस जो जिनको यहाँ पे एक्नॉलेज नहीं किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लैंग्वेजेस को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उनको भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए जो अवार्ड है दैट इज भाषा सम्मान अवार्ड. ठीक है, सो यहाँ पे क्लासिकल एंड मेडिवल लिटरेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस भी आपके पर्सन ने काम किया उसको अवार्ड दिया जाता है. नेक्स्ट कमिंग टू द वर्ल्ड हिंदी डे, सो वर्ल्ड हिंदी डे जो है 10 जनवरी को बनाया गया था. यूनेस्को ने इस बार बेसिकली एग्री किया था, यूनेस्को हेरिटेज सेंटर has agreed to publish Hindi descriptions of India's World Heritage Site on WHC website. उन्होंने agree किया था कि हम जो है इंडिया की जो भी description वाली चीजें हैं उसको हम WHC की website पर डालना चाहते हैं. So World Hindi Day जो है उसको celebrate किया जाता है किसके लिए, anniversary बनाने के लिए first World Hindi Conference की, जो कि 1975 में जिसका आयोजन हुआ. 1975 में था तो खुद ही दिमाग में आना चाहिए कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके, इंदिरा गांधी. लेकिन 2006 ऑनवर्ड जिसको जो है वो बनाना शुरू किया. किसके लिए शुरू किया होगा? ऑफ कोर्स कि अपने हिंदी कल्चर को रिवाइव करने के लिए. सो नेशनल हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सेप्टेम्बर 14th. ठीक है, सो ऑन दैट डे इन लेकिन ये क्या है आपका वर्ल्ड हिंदी डे. सो वर्ल्ड हिंदी डे इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल हिंदी दिवस. वर्ल्ड हिंदी डे होता है सेप्टेम्बर 10th को.
सो नेशनल हिंदी दिवस जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 14 को। इस दिन 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हिंदी को अडॉप्ट किया गया था, एंड दैट टू हिंदी इन विच स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट। और इन्होंने क्या माना था कि हिंदी हमारी देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे का क्या सिग्निफिकेंस है, वर्ल्ड लेवल पर उसको प्रमोट करना। अब कुछ जो है अब फैक्ट्स इसके बारे में, हिंदी भाषा के बारे में जान लीजिए। सो जो हिंदी वर्ल्ड था वो पर्शियन वर्ल्ड हिंद से ओरिजिनेट हुआ था, जिसका मतलब हुआ लैंड ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। लिंग्विस्टिक टर्म्स में बात कर लो, सो हिंदी जो है वो इंडो इरानियन सब फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली की एक भाषा है, जो कि इन्फ्लुएंस इनरिच करी, अलग अलग कल्चर्स आए, उन्होंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आए, जैसे टर्की वाले आए, टर्किश, अरेबियन, पर्शियन, इंग्लिश, इन सब का इम्पैक्ट पड़ा। जो सबसे पहली फॉर्म थी हिंदी की, दैट वॉज अप्पा भ्रमासा। अप्पा भ्रमासा जो है संस्कृत का ही एक शॉर्ट फॉर्म था, लेकिन 1400 AD में कालिदास जो पोइट थे उन्होंने विक्रमो शिवम एक आपका जो है उसको लिखा था, किसमें, अप्पा ब्रह्मासा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कमिंग टू दी पद्मा अवार्ड्स। सो पद्मा अवार्ड्स जो है वो अनाउंस किए गए हैं इस साल, 128 अवार्ड जो है अनाउंस किए गए। सो पद्मा अवार्ड्स की अगर आप बात करो, सो इनको स्टार्ट किया गया था 1954 में, एंड दिस पद्मा अवार्ड्स इंडिया का एक हाईएस्ट सिविलियन ओनर है इंडिया का, जिसको अनाउंस किया जाता है हर साल रिपब्लिक डे वाले दिन, ठीक है। सो इसके लिए अब अवार्ड्स घोषित करने के लिए एक पद्मा अवार्ड कमेटी बनती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है। द नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू द पब्लिक, इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। इसमें कोई भी पर्सन जाके सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकता है, और यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, बिना भेदभाव के पर्सन को यहाँ पे चुना जाएगा। हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद PSUs एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। सो यहाँ पे आपके डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ये पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इस अवार्ड को आप फॉरनर को, NRI को, ओवरसीज को भी दे सकते हो। क्लियर है, गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे अच्छा एक चीज और, ये तीन लिखे हुए हैं ना, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो। तो सबसे पहले आप विभूषण की बात करो, सो पद्मा विभूषण इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ठीक है। पद्मा भूषण इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड स्टडी ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। कोई ऐसी स्टडी जो कि हायर ऑर्डर की हो उसके लिए इसको दिया जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट, दैट इज पद्माश्री। पद्माश्री को सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड स्टडी के लिए दिया जाता है, अच्छा। इन तीनों में से अगर आपसे पूछ ले कौन सा सबसे ऊपर है, बिल्कुल जी हाँ। सो दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, सो फर्स्ट हाईएस्ट है आपका भारत रत्न, गेटिंग माई पॉइंट। सो यहां पे जो ये अवार्ड दिया जाते हैं कौन कौन सी फील्ड में दे सकते हो आप उसको, किस किस फील्ड में इस अवार्ड को दे सकते हो, कुछ आइडिया? लिटरेचर,
एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सिविल सर्विसेज, पब्लिक अफेयर, स्पोर्ट्स, मेडिसिन एटसेट्रा. ठीक है, सो दीज आर द कैटेगरीज इन विच दिस अवार्ड कैन बी गिव. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको टाइटल नहीं मिलता, ना ही उसके आगे सर मैडम लगता है, कुछ भी सफिक्स प्रिफिक्स नहीं लगता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कम्स. व्हाट नेक्स्ट कम्स? अ कार्यकर्ता. नाम देखने से ही पता लग रहा है कि ये क्या होगा, कुछ आर्ट की फॉर्म है ना. देखो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है यहाँ पे, कुछ लकड़ी के लगे हुए लग रहे हैं. सो बिल्कुल जी हाँ, कार्यकर्तम जो है कहाँ की है? दिस इज अ फॉर्म. कार्यकर्तम जो है वो है आपका केरला. केरला का एक लोकल आर्ट फॉर्म है जिसको कुंभकली के नाम से भी जानते हैं. सो इट इज वन ऑफ द क्रिएटिव ट्रेडिशन जिसकी एग्जिस्टेंस जो है मरीमाना में है, दैट इज द रेन गॉडेस. कि भगवान को प्रे किया जाता है कि भैया आप एक काम करिए, बहुत टाइम हो गया, बारिश बरसा दीजिए. जैसे अभी हम लोग सब दिल्ली वाले प्रे कर रहे हैं कि बहुत पानी की प्रॉब्लम आ रही है, बारिश कर दो, है ना. सो दिस इज बेसिकली फॉर प्रेइंग द रेन गॉडेस कि आप जो है बारिश कर दो, है ना. बारिश भी नहीं होता, इट इज अबाउट रिवर्सिंग द कास्ट डोमिनेंस, कि कास्ट डोमिनेंस नाउ. ठीक है, सो यहाँ पे आप याद रखना तमिलनाडु केरला दोनों में ये फेमस है. ठीक, समझ में? तमिलनाडु केरला दोनों में फेमस है. सो दीज आर द अदर थिंग्स यू कैन हैव एन आइडिया. नेक्स्ट इज दिव्याट्टम. जो दिव्याट्टम है क्या लग रहा है आपको? दिव्याट्टम मतलब कुछ ऐसी लैंड होगी जो कि भगवान की लैंड बोली जाती होगी जिसको, है ना. सो यहाँ पे भगवान की लैंड कौन सी होती है? भगवान के टेम्पल, जो टेम्पल है. सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसने 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था फॉर देव्यट्टम. देव्यट्टम क्या है? एन ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को दर्शाया जाएगा. सो यहाँ पे अगर आप देव्यट्टम की बात करो, दैट इज द हाउस ऑफ द गॉड. यहाँ पे एक आपकी एक ऐसी प्लेस नहीं है, देखो अब भगवान का मंदिर क्या सिर्फ उसमें आप पूजा करने के लिए जाते हो? नहीं, उसमें बहुत सारे और रिचुअल्स भी होते हैं. ठीक है, इसके अलावा इट कैन बी सेंटर ऑफ एजुकेशन. मंदिर है ना यार भगवान का, वहां पे आप एजुकेशन, फाइन आर्ट, साइंस, बहुत सारी और एक्टिविटीज कर सकते हो. सो यहाँ पे 3 तरह के इंडिया में टेम्पल पाए जाते हैं. कौन कौन से टेम्पल होते हैं? अपने आर्ट एंड कल्चर में जरूर पढ़ा होगा, नगाड़ा स्टाइल, द्रविड़ियन स्टाइल एंड विसारा स्टाइल. दीज आर्किटेक्चर जो है ये बताते हैं इंडिया का जो रिच हेरिटेज है उसको दर्शाते हैं. मुझे जरूर बताइएगा नगाड़ा स्टाइल के कुछ फेमस टेम्पल्स के नाम, द्रिवेड़ा स्टाइल के, ड्रावेडियन स्टाइल या फिर द्रिवेड़ा स्टाइल के कुछ फेमस टेम्पल्स के नाम एंड विसारा स्टाइल के कुछ टेम्पल्स के नाम. सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे. सो इसमें लास्ट पॉइंट करना है लेकिन हमें दिस वन, कि अप्रोक्सीमेटली 20 ऑफ द इंडियाज 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपकी हिंदू टेम्पल्स इन डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, पैटर्न्स एंड ऑल. अच्छी बात है ना, है ना. नेक्स्ट कम्स एक और टेम्पल का नाम आ गया, पंडरीथन टेम्पल. पंडरीथन टेम्पल, सो ये जो पंडरीथन टेम्पल है इसमें बेसिकली इसके जो भी प्रिजर्व करने की और इसको रिजुविनेट करने की बात करी जा रही. So, Chinar Corps of Indian Army has recently accorded recognition by the National Monument Authority for preserving and rejuvenating this temple. So, इनको Chinar Corps of Indian Army को responsibility दी गई है.
यहाँ पे जो चिनार कॉर्प्स हैं उन्होंने एंशियंट जो साइट है उसको बोला है कि ठीक है हम इसको रिस्टोर करेंगे। जो पंडरथन टेम्पल है वो आपका 8वीं शताब्दी का टेम्पल है जो कि श्रीनगर के बडमी बाग में लोकेटेड है। यहाँ पे ये माना जाता है कि जो ये टेम्पल है ना इसके अंदर आपके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि क्या क्या है यहाँ पे, 2 लार्ज मोनोलिथिक रॉक शिवा लिंगम्स, मतलब एक सिंगल रॉक से बने हुए शिव के लिंग पड़े हुए हैं। 7 आपके गंधारा स्कल्पचर्स हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट को दिखाया गया है। ह्यूज रॉक कार्विंग द फुट ऑफ द मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, उसके बाद एक बड़ा सारा रॉक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका जांबरन रेंजर्स में पड़ता है जेलम रवि के कंडे में। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि यहाँ पे बहुत प्यारे शिव की त्रिमूर्ति 12 पद्मापानी इन सब की मूर्तियां जो है सिचुएटेड है। क्लियर है इतनी बात? तो आपको और कुछ ज्यादा याद करना नहीं, इतनी बात समझ में आई ना। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम दैट इज रिलेटेड टू कोणार्क सन टेम्पल। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि स्टूडेंट्स आई हैव गॉन टू भुवनेश्वर, है ना। तब मैं देख के आई, पहली बार जिंदगी में मैंने खैर कोणार्क टेम्पल को देखा था। कोणार्क टेम्पल के जो हिस्ट्री है ना वो बड़ी प्यारी लगी मुझे, एंड सीरियसली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत क्लीन है, बहुत ब्यूटीफुल भी है। कोणार्क टेम्पल आप देख सकते हो भुवनेश्वर से ज्यादा दूर नहीं है, पुरी के भी पास है। जो जगन्नाथ टेम्पल को देखते हुए आप एक ही दिन में कोणार्क टेम्पल को भी देख सकते हो। कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल बोला जाता है इसको। यहाँ पे ये बोला है कि ओडिशा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कोणार्क टेम्पल को कंप्लीटली सोलर एनर्जी पे चलाना, ठीक है। यहाँ पे ये सोलर एनर्जी पे चलेगा तो ग्रिड एनर्जी हो जाएगी, है ना, ग्रिड एनर्जी से ग्रीन एनर्जी। अगर आप इस टेम्पल की बात करो थोड़ा इसके आर्किटेक्चर की, क्योंकि आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट है, तो 13th सेंचुरी CE में टेम्पल को डेडिकेट किया गया था सूर्य भगवान, ठीक है। इट वॉज यहाँ पे ना इसके पास ही एक बीच है जिसका नाम है चंद्रभागा बीच, आपने जरूर पढ़ा होगा कहाँ पे, ज्योग्राफी में। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या 2 नदियां हैं चंद्रभागा, दोनों मिलती हैं, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा है? इसको बनाया गया था किंग नरसिम्हा देवा वन ऑफ गंगा डायनेस्टी। अब कोणार्क वर्ड जो है वो 2 वर्ड्स का संगम है, दैट इज कोना एंड अर्क, कॉर्नर एंड द सन। जो ये आपका टेम्पल है ये आपका कलिंगा या फिर उड़ीसा स्टाइल का टेम्पल है जो कि नगाड़ा स्टाइल के टेम्पल्स का एक सब्स्टिट्यूट है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था 1984 में, और आपको पता होगा इसके ऊपर से कोई भी आपका प्लेन गुजर नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट है। मैग्नेट के कारण जो है क्या होता है कि वो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वो खींचा जाता है। ये साइट है हिंदूज की। अच्छा एक याद रखना, यहाँ पे ओनली हिंदूज कैन एंटर। ऐसा है क्या कुछ के सिर्फ हिंदूज एंटर कर सकते हैं? जैसे पुरी के टेम्पल में, पुरी में हिंदूज एंटर कर सकते हैं, लिंगराज टेम्पल में हिंदूज एंटर कर सकते हैं, कि यहाँ पे भी है, जरा मुझे बताइए। यहाँ पे हु गैदर एवरी ईयर फॉर द चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा पे एक मेला लगता है फरवरी के मंथ। इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है इन यूरोपियन सेलर्स अकाउंट, क्योंकि 1676 में ग्रेट टॉवर अपीयर्ड ब्लैक। सिमिलरली जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था आपका बे ऑफ बंगाल का, क्योंकि एक व्हाइट था एक ब्लैक था। दिस मींस की कोस्ट आपकी है ना। चलिए नाउ कमिंग टू दिस न्यूज आइटम, दिस इज व्हाट, दिस इज थिव्याम, है ना। नाम अजीब सा नहीं लग रहा आपको, थिव्याम क्या होगा मैम ऐसा? सो थिव्याम इज व्हाट, केरला की डांस फॉर्म है थिव्या, ठीक है। इट इज व्हाट, इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज अ कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बेसिकली आपका क्या किया गया है, एक नाटक का आयोजन किया गया जिसका नाम है थिव्या। नाटक नहीं बोलेंगे, परफॉर्मेंस बोल सकते हो, डांस वर्शिप बोल सकते हो, जो कि आपकी केरला एंड कर्नाटका के रीजन्स में करी जाएगी। और ये आज का कल्चर नहीं है, बहुत पुराना कल्चर है जिसमें अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा।
कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि छेंडा, इलेक्थलम, कुरुखुजल एंड विखुचेड़ा, ठीक है। सो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। सो यहाँ पे जो भी मैन एंड इसको प्रमोट करते हैं, वो माना जाता है कि वो हीरोइक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए। सो यहाँ पे लोग अपने आप को भगवान की फॉर्म में ड्रेस करके इस तरह से कुछ गतिविधियां यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे किस भगवान के को ये मनाने की कोशिश करते हैं, ये जो थिव्याम है ये अपने आप को बोलते हैं कि हम शिवा का या फिर शक्ति का हम आकार है, ठीक है। और मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम आर व्हाट, द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम आर दिस वंस, ठीक है। इतनी डिटेल में मत करना, बस इतना कर लेना कि ये कहाँ का है। नेक्स्ट, कोमेमोरेटिव स्टेम जो है वो रिलीज की गई है टू ओनर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज पीवी नरसिम्हा राव। क्या ये पीवी नरसिम्हा राव हैं? बिल्कुल जी, आपको लग भी रहा होगा, दिस पर्सन इज नॉट नो अदर देन पीवी नरसिम्हा राव। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नरसिम्हा राव की मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी। सो यहाँ पे कोमेमोरेटिव स्टैम्प होता क्या? सो कोमेमोरेटिव स्टैम्प एक पोस्टल स्टैम्प होता है, एक छोटी सी स्टैम्प होती है। आपने कभी मतलब कागज देखिए, कोर्ट वगैरह के कागज, उस पर भी लगती है, और हर स्टैम्प की ना एक वैल्यू होती है। इसको पोस्ट ऑफिस इशू कर सकता है, लेकिन इसको जो है मतलब एक अथॉरिटी से एफिलेट कराना जरूरी होता है। सो कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो हैं इनको इशू किया जाता है ऑन दी सब्जेक्ट्स, थीम्स, इंस्टीट्यूट्स, पर्सनालिटीज एंड इवेंट्स दैट हैव अ नेशनल और इंटरनेशनल स्टैट्यूटर और हैव मेड नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन जिन्होंने करी। किसी भी स्टैम्प जो है, आप कोई भी स्टैम्प जो जिंदा पर्सनैलिटी है, लिविंग पर्सनैलिटी, उसके नाम पे नहीं निकाल सकते। मतलब अगर मोदी जी चाहें तो अपनी स्टैम्प जो है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी पर्सनैलिटी की ही स्टैम्प निकल सकती है जिसकी नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो है इंपॉर्टेंस रही है। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन को लगता है कि यार मेरे घर वालों की किसी की निकलवानी चाहिए, सो वो भी आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, प्रपोजल्स भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू व्हाट जीआई टैग फॉर नागा सुरा। सो देख सकते हो कि इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑफकोर्स म्यूजिक बजाने के लिए काम आता है, ठीक है। कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है ये? आपका इंस्ट्रूमेंट है थंजावुर डिस्ट्रिक्ट का। जल्दी से बता दो थंजावुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। सबसे पहले जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था इसको बनाया जाता था आर्टिसंस के द्वारा, जो कि आपका एक विलेज है नियर कुंभकोलम, वहां पे रहते थे, अपनी स्किल्स लगा के लोग बनाते थे, ठीक है। हाल फिलहाल में इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्यों मिलता है आपको पता है? बिकॉज ये जो होते हैं अपने आप में जो है एक इनकी अलग जो है पहचान होती है। सो जीआई टैग इज जर्नली इश्यूड फॉर एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जीआई टैग को इन सब के लिए जो है वो इशू किया जाता है। और इन सब जो भी आपकी प्रोडक्ट्स की बात करते हो, दीज प्रोडक्ट्स हैव व्हाट, दीज हैव यूनिक क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनके अंदर ये सब फीचर्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट नागेश्वरम इज, अ विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसको आपका ये लगा लो, इसको एक हाई स्टेटस अकॉर्ड किया गया है एज अ मंगल वाद्य। इसको अलग अलग जो है आपके रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह में इसको बजाया जाता है। ये माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा हैं उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को नागासुरन को दिया था, ठीक है। मतलब बिलीव है कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट किसको दिया था, नागासुरन को दिया था, जो कि एक आपको पता क्या था, एक राक्षस था, डेमन था, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी जो शेप है वो स्नेक की तरह नहीं है,
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नेक इंस्ट्रूमेंट भी बोल देते हैं ना, नागस्वरम, इसी के नाम से उसका नाम भी पड़ा नागोस्वरम, है ना। सो यहाँ पे ये यूजुअली जो बनाया जाता है अच्छा ट्री से बनाया जाता है। उसके बाद आपको और कुछ ज्यादा करने की इसके बारे में जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, दैट इज कोडवा टाके। कोडवा टाके अब क्या है? सो यहाँ पे कोडवा टाके इज वॉट इज अ इनडेंजर्ड लैंग्वेज। इसको बोला किसके द्वारा जाता है? ये आपकी बोली जाती है ड्रेविडियन पीपल के द्वारा। ड्रेविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। जो कि आपकी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के आसपास बोली जाती है, कोंडागु या फिर कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। कहां पे पड़ती है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट? एज यू कैन सी इट इज इन कर्नाटक। सो यू कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट इट इज अ डायलेक्ट ऑफ व्हाट, लिखी देती हूँ फिर आपके दिमाग में नहीं आएगा। इट इज अ डायलेक्ट ऑफ कन्नड़, ठीक है, समझ में आई। चलिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बामियान बुद्धास। बामियान बुद्धा जो है, तालिबान जब न्यूज में था तब बामियान बुद्धास की भी बात होती थी। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सो बामियान बुद्धा जो स्टैचूज हैं, they have been created from, इनको सैंडस्टोन से क्रिएट किया गया है, एंड और सबसे टॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धास थे वर्ल्ड के अंदर। रोमन में अगर आप बात करो, दो स्टैचूज जो हैं ये आपके एग्जाम्पल सर्व करते हैं, जहाँ पे आप बात करते हो गुप्ता ससानियन एंड हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल्स की कन्वर्जेंस की। जो स्टैचूज हैं उसके अंदर आपको मेल सलासल मिलेगा, दैट इज लाइट श्राइन टू द यूनिवर्स, ठीक है, एंड शॉर्टर फीमेल शम्मा मिलेगा, दैट इज क्वीन मदर एंड दे आर कॉल्ड बाय द लोकल्स। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल में आपको हाइट में अंतर देखने को मिलेगा, मेल बड़ा होगा फीमेल छोटी होगी। अब बामियान वैली की बात करें अगर थोड़ी सी हम, सो बामियान वैली जो है, अच्छा जब तालिबान ने डिस्ट्रक्शन किया सो बामियान बुद्धास भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन अब उनकी रिस्टोरेशन की बात चल रही है। सो बामियान वैली कहाँ पे पड़ती है? ये हिंदू कुश माउंटेन में पड़ती है रिवर बामियान के दौरान, एंड वॉज अ की नोड टू द अर्ली सिल्क रूट एमर्जिंग एज अ हब फॉर बोथ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्सचेंज। सो आपके एंशियंट सिल्क रूट का ये पार्ट था। अर्लियर इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी अ सेमी नोमैडिक ट्राइब कॉल्ड कुशनास, कुशानास के बारे में सुना है, जो कि आपके बैक्टीरिया से बेसिकली स्वेप्ट आउट हो गए थे, फिर वो इंडिया भी आए थे, है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे लिंक्ड है। दे इनकरेज्ड अ मिक्सचर ऑफ कल्चर इन विच ट्राइबल ट्रेडिशंस फ्रॉम द सेंट्रल एशिया दे आर फ्यूज विद द आर्टिस्टिक कन्वेंशंस जो कि डिराइव करते हो आप मेडिटेरियंस। इतना करके जरूरत नहीं है बट इतना बताना चाहिए वेयर इज बामियान एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट कम्स अ मलचा महल। सो दिस इज मलचा महल। सो दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस जो 14th सेंचुरी एडी की एक बिल्डिंग है उसको रिस्टोर करने का। सो इट इज लोकेटेड कौन से एरिया में? चनक्यपुरी एरिया में है। इसको 1325 में बनाया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, और ये हंटिंग लॉन्च है। इसको काफी समय तक हंटिंग लॉन्च की तरह यूज किया जाता था। उसके बाद इसको रेजिडेंट की तरह यूज करा जाने लगा। किसके द्वारा? बाय नवाब ऑफ अवध। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज विलायत महल, ठीक है, विलायत महल के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो ये जो मॉन्यूमेंट है ये ASI प्रोटेक्टेड नहीं है, इसके लिए इसके ऊपर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया गया। अब हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो पर्सनालिटी है दैट इज अलूरी सीतारमन राजू। सो यहाँ पे हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो रिसेंटली विजिट किए थे जो इनकी बर्थ प्लेस थी। सो है कौन ये पर्सन? ये आपके इंडियन रेवोल्यूशनरी है जो कि आपकी रंपा रेबिलियन के एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रंपा रेबिलियन को लीड किया। रंपा रेबिलियन 1922 की थी। क्यों लीड किया था इसको?
बेसिकली ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे अगेंस्ट द 1882 मेड्रास फॉरेस्ट एक्ट, इसीलिए इन्होंने रंपा रेबिलियन को लीड किया। ठीक है, सो ये आपका लगा लीजिए हुआ क्या था 1882 के एक्ट में। सो 1882 आपको पता है ट्राइबल पीपल थे बहुत सारे पहले, सो ट्राइबल पीपल क्या करते थे, ट्राइबल पीपल कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, है ना। लेकिन अभी हुआ क्या, इन ट्राइबल पीपल की मूवमेंट के ऊपर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी। सो इसीलिए जो है इस जो एक्ट थी इसके खिलाफ जो है अलूरी सीतारमन राजू ने प्रोटेस्ट किया था। सो यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जिसका नाम है पोडू, उसको बेसिकली आपके ब्रिटिश रोकना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। सो 1927 में राजू जो है उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। ठीक है, और ये बोला गया कि यार ये जो है हिंसा फैला रहे, और जैसे उनको पुलिस कस्टडी में लिया गया तो उनको ये खत्म हो गया था रंपा रेबिलियन। सो इनको इसी के कारण जो है फॉरेस्ट हीरो के नाम से भी जाना जाता। सो दिस इज अबाउट एलोरी सीतारमन राजू। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम दैट इज रिलेटेड टू गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी को नौवें गुरु बोला जाता है आउट ऑफ द 10th गुरु जो कि आपके सिखिज्म के हैं। सो यहाँ पे इनका जन्म अमृतसर में हुआ था 1621 AD में हुआ था। माँ बाप का नाम है माता नानकी एंड गुरु हरगोबिंद जी। गुरु हरगोबिंद जी छठे गुरु थे आपके सरदारों में। तेग बहादुर को त्याग मल के नाम से भी जाना जाता है इनकी नेचर के कारण। इन्होंने अपनी स्टार्टिंग के कुछ दिन अमृतसर में लगाए थे अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु भाई गुरुदास। ठीक है, और भाई गुरुदास में से इन्होंने गुरुमुखी हिंदी लैंग्वेज लर्न की, संस्कृत लर्न की। लेकिन जो बाबा बुद्धा थे उनसे इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने अस्त्र चलाने सीखे और हॉर्स राइडिंग सीखी थी। इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी जब इनको जो है एक लड़ाई लड़नी पड़ गई थी, किसके अगेंस्ट द मुगल्स। सो यहाँ पे इनको अपनी ब्रेवरी के कारण ही इनको नाम मिला तेग बहादुर। उसके बाद ये लंबे लंबी यात्राएं की इन्होंने गुरु नानक देव जी की टीचिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद जो है इनको जो है क्या बोला जाता है, सेवियर गुरु। सेवियर गुरु क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम मुगलों का राज था इंडिया में। सो लोग मतलब जो मुगल्स थे वो इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। स्पेशली सबसे ज्यादा प्रेशराइज किया गया था औरंगजेब के द्वारा। सो इसीलिए इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको इनका मार्टिरडम कर दिया गया। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के अंदर। एंड उसको आज की डेट में हम शहीदी दिवस कहते हैं, और इनका शहीदी दिवस होता है 4 नवंबर। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम दैट इज रिलेटेड टू हूम, सुभाष चंद्र बोस। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में भी न्यूज में थे। सो इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, किसकी, डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सो यहाँ पे इनकी अगर बात करो तो इनका जन्म हुआ था कटक में। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये लंदन चले गए इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर, और उसको क्लियर भी किया। उसके बाद इनके दिमाग में ना कोई ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड फीलिंग्स भी नहीं थी, कोई सॉफ्ट फीलिंग्स भी नहीं थी। सो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया 1921 में फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। और इन्होंने ये बोला कि नहीं यार, जो तुमने जलियांवाला बाग में कांड करा वो एक ऐसा कांड था जिसको पूरी दुनिया नहीं भुला सकती। सो इसी के लिए उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद जब वो इंडिया आए, सो बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर, महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में थे, और इन्होंने अपना अखबार शुरू किया जिसका नाम था स्वराज। हिज अटेम्प्ट्स टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ नाजी पार्टी एंड इंपीरियल जापान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकंड लेफ्ट हिम इन अ ट्रबल्ड लीगेसी। लेकिन उसके बाद आपको पता है इनके बीच में और गांधी जी के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लग गए। ये नाजी पार्टी और जो आपका जापान था उससे मदद लेना चाहते थे कि इंडिया की मदद करो और आके इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाओ। जुलाई 1943 में ये सिंगापुर गए
उसके बाद वहां पे जाके इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाई, ठीक है, जो कि आपकी स्टार्ट की थी राज बिहारी बोस को, उसको ज्वाइन किया, और यहीं पे इन्होंने आजाद हिंद फौज जिसको इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं उसकी निर्माण किया। लेकिन उसके बाद जैसे आपको पता है वो लेके आए, उधर से वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और आपका वो चीज सक्सेसफुल हो नहीं पाई। इनकी मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हुई थी 1945 में, जो कि ताइवान में क्रैश हुआ था। सो यहाँ पे इनकी बर्थडे को बनाया जाता है परकर्मम दिवस, ठीक है, परकर्मम का मतलब होता है करेज, क्योंकि देखो जब पूरा कांग्रेस वाज नॉट रेडी कि आप बाहर की हेल्प लो, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं जी हम बाहर की हेल्प लेंगे। नेक्स्ट कम्स संत रविदास। संत रविदास जो है जनती उसको ऑब्जर्व करते हो एज अ माघ पूर्णिमा, जो कि संत रविदास जी के बर्थडे को मनाने के लिए की जाती है। इनका बर्थ हुआ था वाराणसी के अंदर। सो ये आपके काफी फेमस सोशल रिफॉर्मर एंड ऑल भी रहे। इनके कुछ और नाम हैं जिनके कारण इनको जाना जाता है, भक्ति मूवमेंट के एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आपके एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाइयां लड़ी अपनी पोइम्स की मदद से। इनके कुछ पोइम्स जो है वो आपकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड है, और इसको और गुरु ग्रंथ साहिब क्या है वो आपको पता ही है, पहले आदि ग्रंथ हुआ करता था, उसके बाद इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब पड़ा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा इनको फाउंडर कंसीडर किया जाता है ऑफ द रेवदसाई रीजन। ही वाज आल्सो नोन एज मीराबाई, को जानते हो ना, जो आपके कृष्ण जी की भक्त थी। सो स्पिरिचुअल गाइड थे ये मीराबाई के। नेक्स्ट कम्स रामानुजन। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है उसको इनॉग्रेट किया है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, किसके कारण? रामानुजा आचार्य के कारण। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंदर, और ये आपके एक वैदिक फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्म। रामानुजन ने भक्ति मूवमेंट्स को रिवाइव किया, ठीक है। उसके अलावा ये लगा लीजिए कि ये इंस्पिरेशन थे काफी सारे और पॉइंट्स के लिए। उसके बाद रामानुज आचार्य जो थे नवरत्नों का, इन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स के बारे में लिखा जिसको नवरत्ना भी बोला जाता है, ठीक है। बस इतनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इनके बारे में करनी, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स। सो मेरी साइड से मेरा पास जो पोर्शंस थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई हैव डन, सोशल इश्यूज आई हैव डन, आर्ट एंड कल्चर था वो भी अपने कर लिया। So, इसके साथ हम क्लास को एंड करते हैं। हमारे जो रह गए हैं सेशंस वो थोड़ी बहुत टेस्ट सीरीज बची हैं और क्वेश्चन आंसर्स राउंड बचे, दैट वी विल कंडक्ट, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, वीडियो को देख लीजिएगा, कोई डाउट हुआ तो बता दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।